अपने विद्यालय में साइंस है वो पिछले 20 सालों से चलती आ रही है और यहाँ बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने 90 क्रॉस किया 85 क्रॉस किया बहुत सारे बच्चे वो अपना कैरियर बनाते हैं। तो कैरियर बनाने में वो जाते हैं या तो मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में या डिफेंस लाइन में। डिफेंस लाइन में तो क्या होता है कि मोस्टली बच्चे हैं वो सक्सेस हो जाते हैं वो फाइट कर लेते हैं। एमबीबीएस और इंजीनियरिंग लाइन में मोटी रकम वो खर्च करनी पड़ती है घर वालों को। अब उतने बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी व्यवस्था होती है वो बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ता है और उसको सफलता मिलती है। टाइम लग जाता है लेकिन वो सफल जरूर होता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी प्रतिभा ऐसी है जिनकी व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो यही रह जाती है दब जाती है। जो उनका मुकाम होता है वास्तविक उस मुकाम पे वो पहुंच ही नहीं पाते। तब तब सर ने अपने सिस्टम में ही उस सारी व्यवस्थाओं को अरेंज कर दिया कि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको कैरियर बनाने में कोई बाधा ना हो, एक पैसे नाम की जो बीमारी है वो उनके सामने ही नहीं आए। तो पिछले सत्र विवेकानंद फाउंडेशन का शुभारंभ हुआ। अब आगे चलते हैं। साइंस जिन बच्चों की इच्छा है कि हम साइंस लें तो साइंस हम लेते हैं। तो आप सभी जानते हो, घरवाले जानते हैं, सभी जानते हैं कि साइंस का मतलब डॉक्टर इंजीनियर। किसी भी गार्जियन के मुंह पे एक ही शब्द निकलता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बने। उसके अलावा और कोई नाम नहीं आता, केवल एक ही नाम आता है डॉक्टर और इंजीनियर। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस बायोलॉजी लेनी पड़ती है जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। हम बताते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के आदमी तो मैथ्स की बात करेंगे। देखो, जिन बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में है तो मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो आता है आपका आईआईटी। सबने सुन रखा है आईआईटी का नाम? ठीक है, तो आईआईटी होता है, आईआईटी इंजीनियरिंग होती है। अब वही बात आती है कि इंजीनियरिंग क्या होती है। तो देखो आज के युग में एक और बीमारी है ये रही, और इस बीमारी को बनाया है इंजीनियरों ने बनाया है। इसके फायदे बहुत है और नुकसान बहुत है। फायदे तो कोई काम में लेता नहीं है, इसको बीमारी बना के छोड़ दिया। तो इसमें जितना सिस्टम होता है शुरू से लेकर एंड तक हमारे हाथों में पहुंचने तक वो सारा काम इंजीनियर कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेन की बात कर लेते हैं। प्लेन सब जानते हो, तो प्लेन को बनाने से लेकर चलाने तक का जो सारा काम होता है वो होता है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में टॉप मोस्ट सिस्टम आपका आईआईटी होता है। आईआईटी का जो एग्जाम है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एकेडमी उसके अंदर होता है। एनटीए के अंदर एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस एग्जाम का नाम है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग का मतलब होता है सबकी इच्छा ही होती है कि भाई मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन वास्तव में वो उसके लायक नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं, स्क्रीनिंग वर्ड है वो क्या करते हैं, जो लायक नहीं है वास्तव में मैथमेटिक्स के लायक नहीं है उनको हटा देती है। हर साल 8 से 10 लाख बच्चे हैं वो जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं। मैंने आपको जेईई में टू पार्ट्स बताया, पहला पार्ट है जेईई मेंस, वो स्क्रीनिंग का काम करता है। वहां से 10 लाख के लगभग बच्चे एग्जाम देते हैं जिनमें से 8 लाख बच्चों को हटा दिया जाता है। उसके बाद में आपके केवल 2 लाख बच्चे बचते हैं। वो 2 लाख बच्चों को पास करते हैं। पास करने के बाद में वो एग्जाम देते हैं जेईई एडवांस का। 2 लाख बच्चों में मात्र 16,000 बच्चे हैं उनको आईआईटी के थ्रू इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है कि मात्र 16,000। अपने ऑल ओवर इंडिया में 23 है वो आईआईटी कॉलेज, जिसमें से अपने राजस्थान में भी है आईआईटी जोधपुर। इंडियन आईआईटी का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आईआईटी के समकक्ष एक एनआईटी और होती है, वो आईआईटी की जैसी होती है, जरा कोई डिफरेंस नहीं होता।
लेकिन उसको लेवल थोड़ा नीचे कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें यही जेईई का सेम एग्जाम होता है। अब बात यह है कि एनआईटी अगर अपने को चाहिए तो एडवांस का पेपर देने की जरूरत नहीं है, जेईई मेंस के थ्रू ही आपको एनआईटी मिल जाती है। जो बच्चे हैं जिनके इंजीनियरिंग करने की तीव्र इच्छा होती है और वो जेईई मेंस को फाइट कर लेते हैं लेकिन एडवांस को फाइट नहीं कर पाते, वो एनआईटी को चूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तो ऐसा भी सकते दोबारा तैयारी कर लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता। आप कक्षा 12 के साथ एग्जाम दे सकते हो, एक कक्षा 12 के बाद एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने 7 वाला एग्जाम मिस कर दिया तो वो चांस गया। उसके बाद में 12 के बाद वाला एक साल और है, उसमें भी अगर आपने एग्जाम दे दिया तो ठीक है, वरना वो चांस भी गया। ज्यादा चांस जेईई आपको नहीं देते। एनआईटी जेईई मेंस के थ्रू हो जाती है तो बाकी जो बच्चे हैं आईआईटी उनको नहीं मिल पाती, वो एनआईटी से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उनका भी अच्छा पैकेज होता है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। एनआईटी की अपने ऑल ओवर इंडिया में 31 कॉलेज है जिनमें से एक अपने राजस्थान में भी है, एमएनआईटी। ये हो गया। इसके लिए करना क्या होता है? वही बात कि विचार यही होता है कि हम 12th करें, 12th के बाद में आईआईटी करने की आईआईटी की तैयारी के लिए जाए। तो एक साथ क्या होता है, बच्चे पे सारा बर्डन गिर जाता है आके कि अपने जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें बहुत सारा सारा सराउंडिंग में जितना भी मैटर होता है वो सारा तैयार करना होता है। एक साथ बर्डन पड़ने की वजह से बच्चा कर भी पा, बहुत ही कम चांस है, 99% बच्चे नहीं कर पाते। 12th के बाद में 99% बच्चे वो नहीं कर पाते, केवल 1% बच्चे जो कर लेते हैं, उनमें भी उनको अच्छी ब्रांच मिलना, रैंक अच्छे आना, उसकी संभावना बहुत ही कम होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया कि 11th और 12th के साथ ही वो फाउंडेशन तैयार कर दिया। हम अपने यहाँ आप 11th के जो रेगुलर स्टडी है उसको करते जाओ, साथ साथ में फाउंडेशन को भी हम तैयार करवा रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा मैटर है वो भी करवा रहे हैं। अब इससे अपने बेनिफिट क्या है, जैसे मान लो आपने 2 साल सोचा कि मेरे तो आईटी करने का मन ही नहीं है, मैं क्यों करूं, तो केवल आईआईटी के लिए नहीं है, आप फाउंडेशन करोगे। वास्तव में फाउंडेशन का मतलब क्या है पहले वो समझो। फाउंडेशन को हिंदी में बोलते हैं नींव। अपन जब मकान बनाते हैं तो अगर मकान की नींव हम अच्छी भर दें तो उसमें चाहे आप 1 मंजिल मकान बनाओ, चाहे 2 मंजिल बनाओ, चाहे 5 मंजिल बनाओ, चाहे 10 मंजिल बनाओ, वैसे हम आपके मकान की नींव भर रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब नींव भर रहे हैं। चाहे आप उसके लिए आईआईटी में जाओ, चाहे उसके लिए आप एनआईटी में जाओ, उसके बाद ये और ऑप्शन देखो, उसके बाद में जितनी भी डिफेंस की जो सर्विसेज है, जो 12th पास मैथमेटिक्स को जो मौका देती है, उन सभी की तैयारी यही हो जाती है। आपको कहीं जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये विवेकानंद विद्या आश्रम का दावा है कि यहाँ अगर किसी ने फाउंडेशन कर लिया तो उसको डिफेंस की किसी भी जॉब के लिए जहाँ मैथमेटिक्स होता है वहां आपको पेपर फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा अभी अभी जो गवर्नमेंट ने आपका CUET निकाला, CUET में अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी आपको कहीं दूर जाकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम आपका यही हो जाएगा। कहीं आपको बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, आराम से आओ, जितना मैटर दिया जाता है उतना उसको करो, पढ़ो। अगर किसी की इच्छा होती है कि हमें एक्स्ट्रा और करना है तो आपके लिए सारी सुविधाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध है, बस आप तो कहो कि हमें ये आप सपने देखो। आप जब सपने देखोगे तभी विवेकानंद विद्या आश्रम परिवार है वो आपके सपनों को सच करेगा। बिना सपने देखे कुछ भी नहीं हो सकता, सपने आप देखोगे और उनको साक्षात्कार हम करेंगे। उसके अलावा देखो एक मैथमेटिक्स का पार्ट और है जो लगता मैथमेटिक्स जैसा भी है और नहीं भी है, होता वो मैथमेटिक्स ही है, उसका नाम है रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग को सीधा कहें तो तर्क। अब तर्क से भी मतलब क्या होता है, हम किसी भी विषय के बारे में सोचें और सोचने के बाद में जो हमारे माइंड से विचार निकल के आता है वही रीजनिंग है। अब ये जो रीजनिंग है वो मैथ से संबंधित भी हो सकती है और संबंधित भी नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपकी मम्मी की, ताई की, चाची की, बुआ की, बेटी की,
ससुर आपकी क्या लगती है, ये रीत नहीं है। आपको दे दे कि आज आपकी सैलरी, आज काम कर रहे हो उसमें आपका पेमेंट है वो 2000 रुपए है, तो अगर प्रतिवर्ष आपका पेमेंट है वो 2% बढ़ता है तो 20 साल बाद में कितना होगा। आज मंगलवार है, आज से 1 साल बाद इसी दिन कौन सा वार होगा, ये सारी बातें वो किसमें आती है, रीजनिंग में आती है। आप सभी के बीच में बहुत सारी प्रतिभाएं बैठी है जिन्होंने 98% 95% 97% 90 91 92 बहुत सारी प्रतिभाएं आपके सामने बैठी है, तो उन प्रतिभाओं के लिए एक छोटा सा है तो सुनो। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने 2 गज जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विकास जी सोनी ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप लोगों को मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन आपके जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आपको हमेशा कुछ ज्ञानवर्धन करेगा।